दोस्तों अभी दिवाली में प्रधानमंत्री ने अपनी दिवाली को जैसलमेर के लोंगेवाला के सैनिकों के साथ मनाया, और ये कोई पहली बात नहीं थी, ये कोई पहली बार नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी दिवाली सैनिकों के साथ मनाया। इसके पहले 2014 से जब से इन्होंने चुनाव जीता है तब से अलग अलग जगह अलग अलग समय में प्रधानमंत्री जी अपनी दिवाली सैनिकों के साथ ही मनाते हैं, चाहे 2014 की दिवाली सियाचिन के सैनिकों के साथ हो, या वेस्टर्न इंडिया की बात हो, या IDBS के जवानों के साथ हो, या जम्मू कश्मीर के गुरेज के सैनिकों के साथ हो, या 2019 के राजौरी में मनाया जाने वाला दिवाली हो। कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा प्रधानमंत्री जी के चुनाव जीतने के बाद जब उन्होंने अपनी दिवाली सैनिक भाइयों के साथ सेलिब्रेट ना किया हो। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी के दिवाली सैनिकों के साथ मनाने पर देश का कुछ फायदा है कि नहीं, सैनिकों का कुछ फायदा होता है कि नहीं। और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा ये भी करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का दिवाली सैनिकों के साथ मनाने पर देश का कितना भला है, सैनिकों का कितना भला है, और खुद प्रधानमंत्री जी का कितना भला होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा देश आता है और हमारे सैनिक आते हैं। तो देखिए सैनिकों का कितना भला होता है, कितना मनोबल उठता है दिवाली उनके साथ मनाने पर, ये बात करने से पहले आप ये थोड़ा सा वीडियो क्लिप सुन लीजिए। दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि फौलाद जैसे शरीर वाले सैनिकों के दिल में घर वालों की याद छिपी रहती है, उन्हें भी अपने त्योहारों में घर वालों की याद आती है। दोस्तों जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सैनिकों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं तो पूरा का पूरा ध्यान देश का सैनिकों की ओर होता है, और तो और सैनिक के जब घर वाले होते हैं उनका ध्यान भी टीवी स्क्रीन पर होता है, और तो और सैनिकों को भी ये बात का एहसास होता कि पूरा देश मुझे देख रहे हैं और सैनिक पूरे देश को देख रहे होते हैं प्रधानमंत्री की बिचवान के रूप में। और इस तरह सैनिकों को थोड़ा सा भी ऐसा एहसास नहीं होता कि हम घर से बाहर हैं, इनडायरेक्टली एक बहुत ही नाजुक डोर से, इनडायरेक्टली एक बहुत अदृश्य और नाजुक डोर से ही सही सारे के सारे सैनिक अपने घर वाले से कनेक्ट रहते हैं। जब सैनिकों के घर वाले फ़ोन पर बात करते होंगे कि प्रधानमंत्री जी तो आपके पास में हैं, क्या उधर भी आए क्या, तो सैनिक बोलते होंगे कि अभी यहाँ नहीं आए हैं लेकिन जस्ट बगल वाले बटालियन में गए हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का सैनिकों के बीच में चले जाने से पूरा का पूरा देश का ध्यान सैनिकों की ओर हो जाता है और सैनिकों का ध्यान देश की ओर हो जाता है, और इस तरह से सैनिकों को अकेलापन इस त्यौहार में फील नहीं होता है। और पहले क्या होता था कि लोग दिवाली रहे, दशहरा रहे, होली रहे, कोई भी त्यौहार रहे, इस कदर अपने आप में खो जाया करते थे कि सैनिकों की तो कोई याद ही नहीं आती थी किसी की, सैनिक की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब सैनिक को भी ऐसा लगने लगा कि जी हम भी इस देश का हिस्सा है और ये देश हमें दिवाली के टाइम भी नहीं भूलता। और इसके साथ साथ ये संदेश भी जाता है, जरा आप लोग सुन लीजिए। साथियों आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। आज भारत की रणनीति साफ है, आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। ये तो रही बात प्रधानमंत्री जी का सैनिकों के बीच पहुंच जाने से सैनिकों और देश का मनोबल ऊंचा हो जाने की। लेकिन अब बात ये उठती है कि प्रधानमंत्री जी को क्या फायदा होता होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये फायदे को समझने के लिए आपको पोस्टल बैलेट सिस्टम को समझना होगा। दोस्तों पोस्टल बैलेट सिस्टम निर्वाचन आयोग द्वारा उन लोगों के लिए शुरू किया गया जो किसी भी कारण से चुनाव देने नहीं पहुंच पाते हैं। उनमें से प्रमुख रूप से आते हैं आर्मी के स्टाफ, पुलिस वाले जिनकी ड्यूटी अलग अलग जगह लगती है, और इनमें वो भी कर्मचारी आते हैं जो चुनाव आयोग के साथ काम में लगे होते हैं, और इनके साथ साथ ऐसे डिसेबल लोग आते हैं जो किन्हीं कारण से मतदान बूथ तक नहीं पहुंच पाते हैं, और इसके साथ में 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग आते हैं जो अगर निर्वाचन आयोग से अनुरोध करें तो उनके लिए भी निर्वाचन आयोग की व्यवस्था
करती है। तो अगर देखा जाए तो पोस्टल बैलेट सिस्टम का यूज सबसे ज्यादा आर्मी और पुलिस के लोग ही करते हैं। और दोस्तों जिस तरह से मोदी जी एक सेतु बनकर सैनिक और उनके घर वाले के बीच में खड़े हो गए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सैनिकों को ये बात बता दिया है कि आप दिवाली रहे या दशहरा रहे, आपको हम अकेले अलग नहीं छोड़ेंगे त्यौहार के समय, और हमारी दिवाली आपके बिना नहीं मनती। अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम में इन लोगों का वोट किन के पक्ष में जाएगा। और तो और ये सैनिकों का ही नहीं, ये सैनिक के घर वाले का वोट और प्लस अगल बगल के लोगों का वोट, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है कि भारत में सैनिकों की क्या कदर है, तो फिर ये सब का वोट किधर जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो 2014 में पूरे के पूरे पोस्टल बैलेट सिस्टम में जितने लोग रजिस्टर्ड होते थे केवल 4% वोटिंग होती थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 16% वोटिंग हुई है। ये बहुत बड़ा वोट बैंक है और इस वोट बैंक की ओर किसी का ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या मोदी जी इस वोट बैंक के कारण सैनिकों से मिलने जाते हैं, क्योंकि ये तो तय है कि मोदी जी को राजनीतिक लाभ सैनिकों के बीच जाने से हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि मोदी जी का उद्देश्य राजनीतिक लाभ है या बस मोदी जी अपने काम से जाते हैं और मोदी जी को ये लाभ मिल जाता है। दोस्तों इसकी भी चर्चा करेंगे, बस आप वीडियो को देखते तो जाइए। दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम 2013 में चलते हैं, और 2013 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और उन्हें पूरा पता भी नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री बनेंगे हम, और उस वक्त उन्होंने अपनी दिवाली कक्ष के जवानों के साथ मनाई। और दोस्तों यही नहीं, 2009 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री रहते हुए नाथुला दर्रा, जो कि भारत और चीन का सीमा है, वहां से बहुत बड़ा व्यापारिक रास्ता खुलता है, उस जगह अपनी दिवाली मनाई थी। और दोस्तों 2008 में BSF के जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाई थी। और 2013 का तो थोड़ा सुबुगाहट समझ सकते हैं कि ये लोग कह सकते हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनाव के लिए कुछ करना था और कुछ राजनीतिक फायदा चाहिए होगा, इसलिए 2013 में तो गए होंगे। लेकिन 2008-2009 देश की जनता तो छोड़ो, खुद प्रधानमंत्री जी भी नहीं जानते थे कि मैं प्रधानमंत्री के चुनाव का रनर रहूँगा। अब ये मेरी बात सुनते के साथ ही मोदी विरोध में लीन रहने वाले पत्रकार जैसे कि रवीश कुमार जी और मोदी विरोध के मनोरोग से ग्रसित यूट्यूबर, बहुत चर्चित यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी जी, तत्काल बिना समय गवाए ये सवाल पूछ देंगे कि अरे भैया वो गुजरात के मुख्यमंत्री तो थे, उस वक्त गुजरात में तो उनको वोटों का फायदा होता, क्योंकि जब वो जा रहे हैं अलग अलग देश में तो गुजरात के लोग तो होंगे ना सैनिक में फोर्स में, वो तो उन्हें वोट देंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गुजरात से बहुत कम लोग सरकारी नौकरी में जाते हैं और सेना और फोर्स में तो एकदम नाक बराबर लोग हैं। तो उस वक्त अगर मोदी जी वोट के लिए ये सब करते तो उनको कोई खास फायदा नहीं होता। मतलब मोदी जी की दिली इच्छा ही है, मोदी जी का नेचुरल हाव भाव ही है कि अपनी हर खुशी को, हर अच्छे समय को सेना के जवानों के साथ बिताया जाए। इसमें उन्हें राजनीतिक फायदा मिल जरूर गया है, लेकिन उनका उद्देश्य राजनीतिक फायदा तो कम से कम नहीं है। और हाँ, उनके इस काम से देश को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो ही रहा है। और दोस्तों मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने भी अच्छे लोग हैं, सब के सब अपनी दिवाली या अपनी खुशियों का पल सैनिकों के साथ ही मनाने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसका एक सबसे अच्छे उदाहरण सुपरस्टार, समाज सेवी और बहुत ही जाने माने यूट्यूबर RJ रौनक जी हैं, जिनका यूट्यूब चैनल RJ रौनक के नाम से चलता है और वो बउआ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने भी अपनी खुशी के पल को ITBS के जवानों के साथ ही शेयर की और मिठाई का डब्बा लेकर उनके लिए पहुंच गए। जरा देखिए किस तरह वो पहुंचे और क्या क्या बातें हुई। उनसे मिलकर उनके साथ बिताए कुछ खास पल और उनका मुंह भी मीठा करवाया उस गिफ्ट से जो किसान भाइयों ने अपनी मेहनत से तैयार किया था। सचमुच एक शानदार एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू रौनक, दीपावली की शुभकामनाएं सारे लोगों के लिए, खास करके यहाँ पर RJ रौनक साहब आए हुए हैं, काफी प्रसिद्ध हैं। रेड FM पे आपकी काफी पॉपुलैरिटी है और आप लोग देश सेवा और समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। एक मैसेज आया था कि दीपावली के लिए इन्होंने खास करके किसानों वाली एक गिफ्ट बनाई है, जो कि एक तरीके से नई चीज है, और वो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहते थे।
और जैसे कि आज दीपावली है और बहुत से लोग होंगे जो अपने परिवार के साथ में छुट्टियां मनाना चाहेंगे, लेकिन ये लोग सारे आप लोगों की सेवा में हैं यहाँ पे। थैंक यू आज सर अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने के लिए। आप सभी लोगों को और एक बार दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी सब जवानों के बीच है, और वो भी यही संदेश देना चाहते हैं जो हर देश के हर नागरिक का संदेश है कि आप लोग हैं तभी हम हैं, और आप लोगों की सेवा जिस तरीके से आप लोग देश की सुरक्षा करते हैं उसको सलाम है, उसको सैल्यूट है, और कोविड में भी जैसे लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उस जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं। और एक बार आप सभी लोगों को, तो अगर ये आपके छोटे वीडियो से मन न भरा हो तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाइए और देखिए। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और देश के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, आप इनकी वीडियो को देखिए और आपको हंसाते हंसाते लोटपोट भी करेंगे और आपके अंदर देशभक्ति भी भरेंगे। ये वाकई में सच्चे समाज सेवक है। और हाँ दोस्तों, आप इनकी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें या ना करें, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इन जैसे लोग जब आगे बढ़ेंगे तो वाकई में समाज का बहुत कल्याण होगा। और अगर आपको थोड़ा और खुशी मिल जाए तो मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी घुमा फिरा के समाज सेवा की ओर ही जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, RJ रौनक जी की वीडियो को देखना मत भूलिएगा, बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और एक जन कल्याणकारी विचारों के साथ।